आज हम लोग ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करेंगे। ऋग्वेद को क्या बोला जाता है? ओल्डेस्ट वेद बोला जाता है। और ये चीज़ डिपिक्ट क्या करती है? लाइफ ऑफ अर्ली वैदिक पीपल। यूनेस्को ने इसको इन द लिस्ट ऑफ लिटरेचर सिग्निफाइंग वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज, यूनेस्को ने खुद इसको वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज के अंदर इसको प्लेस किया है ऋग्वेद को। आगे देखिए, इट कंटेन्स 1028 साइंस। साइंस मतलब होता है मंत्र, जिसको को डिवाइड किया गया है 10 मंडल में। जो मंडल नंबर 2 से लेकर 7 तक है वो सबसे ओल्डेस्ट है। जो भी 10 मंडल हैं ऋग्वेद के, उसमें 2 से लेकर 7 वाला सबसे ओल्डेस्ट है। और उसको क्या बोला जाता है? फैमिली बुक्स। फैमिली बुक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से अलग अलग पीढ़ियों में सब ऋषि लोगों के कंट्रीब्यूशन से उस चीज़ को फॉर्म किया गया, उस चीज़ को बनाया गया। आगे देखते हैं ऋग्वेद में, आगे ये है मंडल नंबर 8 के बारे में बताया है। मंडल नंबर 8 में कहा जा रहा है कि इसमें जितने भी मंत्र हैं वो दिए गए हैं वेरियस गॉड्स को। और किसके द्वारा वो चीज़ कंपोज किए गए हैं वो मंत्र? कण्व क्लेन के द्वारा। कण्व क्लेन उन सारे मंत्र को प्लेस किए हैं किसमें? मंडल नंबर 8 में। आगे देखिए, मंडल नंबर 9 में जितने भी मंत्र दिए गए हैं वो किसको दिए गए हैं? सोम को। अब सोम कौन है? सोम को बोला जाता है गॉड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, औषधि के देवता, इनको बोलते हैं सोम को। उसके बाद आगे देखिए मंडल नंबर 1। मंडल नंबर 1 में जो मंत्र दिए गए वो मेनली किसके लिए है? इंद्र के लिए, अग्नि के लिए, वरुण के लिए, सूर्य के लिए और मित्र के लिए। रुद्र और विष्णु के लिए भी मंत्र हैं, लेकिन उतने नहीं हैं जितने इन पांचों लोग के लिए थे। रुद्र और विष्णु ये दोनों लोग, रुद्र और विष्णु ये दोनों इंपॉर्टेंट बनेंगे किसमें? लेटर वैदिक पीरियड में ये लोग इंपॉर्टेंस इन लोग की बढ़ेगी। और वैदिक पीरियड में इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य और मित्र की है। मंडल नंबर 10 में क्या है? इसमें मेंशन किया गया है, देखो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ है मंडल नंबर 10 में, पुरुष सूक्त को। ठीक, पुरुष सूक्त क्या है कि ये एक ह्यूमन बॉडी है पूरी, उसमें अलग अलग उसके ऑर्गन से डिफाइन किया गया किस ऑर्गन से किसका ओरिजिन हुआ है। जैसे कि ये माउथ हो गया, एक नॉर्मल ऐसे डायग्राम बना लेते हैं, ये हैंड हो गया और ये दोनों लेग हो गया। तो बोला गया कि जो माउथ वाला पोर्शन था वहाँ से ओरिजिन हुआ है ब्राह्मण का, जो आर्म्स वाला एरिया यहाँ से ओरिजिन हुआ है क्षत्रिय का, जो ये थाई वाला एरिया यहाँ से ओरिजिन हुआ है वैश्य का, और जो ये पैर वाला एरिया लेग यहाँ से ओरिजिन हुआ है शूद्र का। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चारों की ओरिजिन को बताया गया है पुरुष सूक्त में, जिसको किस में मेंशन किया गया है? 10वें मंडल में ये। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी में, ऋग्वेद में ही एक इम्पॉर्टेंट है, उसको मेंशन किया गया है मंडल नंबर 3। मंडल नंबर 3 में जो मेंशन किया गया है, मंडल नंबर 3 देखिए यहाँ पे, इसमें मेंशन किए हैं किसको? गायत्री मंत्र को। तो अगर एग्जाम में कोई पूछा कि गायत्री मंत्र किस मंडल में मेंशन है, तो उसको बोल देना है कि मंडल नंबर 3, ये 3 है। अब ऋग्वेद के बाद देखते हैं सामवेद को। सामवेद में ज़्यादा कुछ डिफरेंस इसका नहीं है ऋग्वेद से, इसमें सिर्फ इतना है कि जो ऋग्वेद के अंदर जो टोटल आपके 1028 जो मंत्र हैं इसको म्यूजिकल फॉर्म में दे दिया गया है, इसको म्यूजिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। ठीक, इसमें देखिए लिखा भी है वेद ऑफ चैंट्स, गाने के फॉर्म में, म्यूजिकल नोटेशंस के फॉर्म में, जितने भी सेक्रेट सॉन्ग हैं और सीक्रेट मंथ हैं सबको दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, परफॉर्मेंस इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक। आगे देखिए, इसमें आगे दिया है इट कंटेन द फेमस द्रौपद रंग, इसमें फेमस द्रौपद रंग को भी मेंशन किया गया है। और उसको तानसेन ने गाया था कब? मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में द्रौपद राग को तानसेन ने गाया था, जो कि मेंशन किस में किया गया है? सामवेद में। अब इसमें आगे देखिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट, सामवेद उपवेद इज द गंधर्व वेद। सामवेद का जो उपवेद है कौन है? गंधर्व वेद है। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद, ये भी एग्जाम में पूछ लेगा। ये आपका रहा सामवेद के बारे में। आगे देखिए, आगे इसमें आएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या मेंशन है कि रिचुअल्स के नॉलेज दिए गए, जितने भी कर्मकांड होते हैं ना, इन द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, जितने भी कर्मकांड होंगे सबका मेंशन किस में किया गया है? यजुर्वेद में।
यजुर्वेद दो पार्ट में डिवाइडेड है, इसको देखते हैं हम। देखिए, एक पार्ट है आपका शुक्ल यजुर्वेद का, एक पार्ट है आपका कृष्ण यजुर्वेद का। शुक्ल यजुर्वेद में क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटेन ओनली मंत्र, शुक्ल यजुर्वेद में सिर्फ और सिर्फ मंत्र हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में क्या है, इसी को हम लोग ब्लैक यजुर्वेद ही बोलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में दोनों चीज़ है, मंत्र एज वेल एज प्रोज, तो इसमें मंत्र भी है और प्रोज भी है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में क्या था, सिर्फ और सिर्फ मंत्र था। ठीक, अब देखिए, उपवेद ऑफ यजुर्वेद इज धनुर्वेद। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको क्या बोलते हैं, धनुर्वेद बोलते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया यजुर्वेद का। अब आगे लास्ट देख लीजिए, ये आपका लास्ट आ गया, ये अथर्ववेद। इसमें देखिए क्या कहा गया है, अथर्ववेद में इट कंटेन द मैजिक स्पेल्स, इसमें थोड़ा जादू टोने के बारे में बताया गया है। और वो मैजिक स्पेल्स किस लिए, खुद को बचाने के लिए, किससे, एविल स्प्रिट से और डेंजर से, किसी खतरे से खुद को बचाने के लिए जो मैजिक की और जो स्पेल्स की बात की गई, वो किसमें मेंशन है, अथर्ववेद में। इसमें ये नॉन आर्यंस का वर्क है और जिसके अंदर 20 कांड और 711 मंत्र मेंशन किए गए हैं। आगे देखते हैं, शिल्पवेद इज द उपवेद ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद कौन है, शिल्पवेद है। अब इसको हम एक बार इसको तीनों को देख लेते हैं, जैसे अथर्ववेद का उपवेद कौन हो गया, शिल्पवेद। उसी तरीके से इसमें क्या लिखा था, धनुर्वेद किसका उपवेद था, यजुर्वेद का। और इसके ऊपर जो था सामवेद, उसमें लिखा गया था क्या, गंधर्ववेद था उपवेद किसका, सामवेद का। तो ये तीनों उपवेद को भी याद रखना, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन था पूरा चारों वेद का, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगले क्लास में हम लेटर वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ऐसे क्या क्या चेंजेस हुई जो वैदिक एज में थी और वो लेटर वैदिक एज में वो सब चीज़ें हट गई थी, उसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। और ये आपका पूरा वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद खत्म हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में।